आओ बहन, बहन माइक उठाओ, नजदीक आओ। कहाँ से हैं? पलसाना से। पलसाना। कहाँ पड़ता है ये? रानोली से आगे। बोलिए क्या बात है, पूछिए। मेरे बड़े पापा का लड़का, उसके पैर में प्रॉब्लम है। क्या नाम है उसका? विकास शर्मा। क्या हो गया उसे? उसके घुटने में प्रॉब्लम है। ठीक है, एक प्रश्न और। मेरे चाचा मेरे साथ में आए हैं, वो आपसे अर्जी लगवाना चाहते थे पर उनकी नहीं लगी, वो जॉब लगना चाहते हैं, तैयारी खूब तैयारी कर रहे हैं। आप? मेरे चाचा। हाँ, कहाँ हैं वो? यहीं है। यहीं पर हैं। पढ़िए। घर में सभी की अर्जी स्वीकार है, विकास के घुटनों में दिक्कत है, पैर में जकड़न बन जाती है, असहनीय दर्द होता, शून्यपन आ जाता है, 100% लाभ हो जाएगा, चाचा जी पर भी कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। जय बागेश्वर धाम की। पर विकास को धाम भेजना पड़ेगा, चाचा का भी अर्जी स्वीकार है। शून्यपन ये जो है नस के दिक्कत के कारण हो रहा है, ऑपरेशन की स्थिति बनी है। ऑपरेशन से सही होगा या वैसे? बालाजी ने चाहा, अगर आपने झाड़ा लगवाया तो बालाजी ने चाहा तो ऑपरेशन की स्थिति नहीं बनी। मेरे मामा जी के पास साल हो गई थे, पितृकृपा बनेगी या ऐसे ही? मामा जी नहीं बनेगी, पितृकृपा साक्षात्कार नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। और घर में सारे दिन लड़ाइयां होती है। आज से ही दया होगी। ये बहन हमने मंत्र लिखा, इसकी तीन माला, चाचा जी का जॉब का कैरियर 100%। राम राम, फाइनल बता दो। 3 वर्ष का समय। 3 वर्ष जी के अंतर्गत। बस बस बहन, बहन आपको प्रणाम। यहाँ एक जने हमारी फोटो प्रिंट किए हुए लेकर के आए हैं, स्क्रीच से। यहाँ पर दिखाइए, स्क्रीन से हाथ की बनी है। यस, आ जाइए। अगली अर्जी, राम राम। साधु जी, ओ साधु जी। हाँ, वो माता जी जो चश्मा लगाए खड़ी हैं, इनको भेज दीजिएगा। चश्मा लगाए माता जी, जी सिर पर दुपट्टा डाले माता जी खड़ी, हाँ इन्हीं को भेज दीजिए, भेजिए जी। जी माता जी आ जाओ, उनको आगे कर दीजिए। राम गुरु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। चलिए भेजिए आगे, आते जाइए। इधर आइए भाई, इधर 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 आओ, हम का पीटा ही था है। इधर नजदीक आ जा, माइक लो। कहाँ से हो? मैं सीकर से, रानोली से। हैं? रानोली से, पास में रानोली। रानोली अच्छा, मतलब यही जिला है? यही जिला। यहाँ तुमने किसी को नाम बताया था क्या? नहीं महाराज, नहीं बताया। किसी ने पूछा था क्या? नहीं महाराज। हमें कैसे पता? आपकी ने अर्जी स्वीकार करिए बागेश्वर जी महाराज ने। हैं? अर्जी स्वीकार करिए आपने मेरी, सुबह से अर्जी लगा रहा था मैं। सुबह से अर्जी लगा रहे थे? कहाँ अर्जी लगा रहे थे? बस ऐसे मन ही मन में लगा रहा था। मन ही मन में? क्या लगा रहे थे अर्जी? यही महाराज की मेरी कुछ समस्या है। नजदीक आओ, हमने लिख ली, पूछो क्या पूछना चाहोगे, क्या समाधान बालाजी से चाहते हो?
बाद मैं जो काम करता हूँ, जो भी सोचता हूँ, सब उल्टे होते हैं। ये तो सबके उल्टे होते हैं। कौन सा काम उल्टा होता है ये बोलो। कोई काम धंधा करता हूँ, कोई भी रोजगार। कौन सा काम धंधा? रोजगार जो मैं उससे मेरी आजीविका चला सकूँ। हाँ, सब मतलब कोई भी किसी काम में सफल नहीं हो पाता हूँ। और जब सोने पे आ डालता हूँ मिट्टी हो जाती है महाराज, ऐसा कुछ। जब कोई चीज छूता हूँ वो उसी में सारे काम उल्टे होते हैं। तो तुम छूते ही क्यों हो महाराज? काम धंधे के लिए हमें छुपवाओ सोना। हम तो मजाक कर रहे। और बोलो। ये है बस, मैं जो भी मेरे जीवन में अच्छा करना चाहता हूँ वो पूरे होते हैं। ठीक है, हमने अच्छा। हम कैसे माने कि तुम्हारी ही अर्जी लगी? क्या तुम पढ़े लिखे हो? हाँ महाराज। कितने तक? 12वीं पास हूँ। 12वीं। हिंदी दबा दब पढ़ लेते हो? हाँ महाराज। बड़ी कृपा। अच्छा, यहाँ आपने अपना परिचय, अपनी समस्या किसी को बताई? नहीं महाराज। ठीक है, आपके पिता का नाम क्या है? इस पे लिख के आया है सब। श्री नागरमल जी मीणा। नागरमल जी मीणा। पढ़िए। आपके घर में लड़ाई होती, तुम्हारे काम पूर्ण नहीं होते, रुके पड़े हैं, धन कृपा व स्वयं का व्यापार का आशीर्वाद चाहते, आपके पिता नागरमल जी हैं। जय श्री बागेश्वर धाम की जय। जय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज। नहीं नहीं नहीं, बालाजी की। क्या यही लिखा? बराबर बराबर। अब सुनिए डिटेल। ये बोल बालाजी महाराज की। दो हजार चौदह से लगातार हैरान है, धन तंगी बनी, तीन काम बंद कर चुके, स्वयं का पूर्व में नौकरी चाहते थे, योग नहीं बना, एक जगह काम प्रारंभ किया, सफल नहीं हुए, फिर पत्थर का कार्य करना चाहा तो आपका योग नहीं बना, आपने शुरू किया तो वो बर्बाद हो गए, धोखा मिला, एक जगह 3,00,000 रुपया रुके पड़े हैं, आप फर्नीचर का काम करें, सफल हो जाएंगे, संतोष नाम के व्यक्ति से सावधान रहें, आशीर्वाद है। यो आपको डिटेल है, बराबर। हमने काम भी बता दिया कि क्या करना, हमने नहीं गुरु जी ने, बालाजी हम तो नालायक हैं, हमें बालाजी ने फर्नीचर का काम करना है। ये 2014 से लगातार धन तंगी, तीन काम बंद कर चुके, नौकरी योग चाहते थे वो प्रारंभ होने के पहले बंद हो गया, पत्थर का काम बंद हो गया, फर्नीचर का काम करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। जय बोल बागेश्वर धाम की जय। जय बोल बालाजी महाराज की। योग में मंत्र है, धाम आना है, हम कवच दे देंगे, कर्तव्य पर भरोसा रखो, हनुमान जी तुम्हें गड़ा हुआ धन नहीं बताएंगे, स्वयं तुम्हें करना पड़ेगा, हनुमान जी तुम्हारी दुकान नहीं खुलवाएंगे, तुम्हें स्वयं खोलनी पड़ेगी, कर्तव्य स्वयं करना पड़ेगा, जो चल नहीं पाती वो पता नहीं था करें क्या, वो हमने बता दिया, और सीना का दर्द भी ठीक हो जाएगा, घर के क्लेश के लिए हम सेना भेज देंगे, आज से ही बालाजी दया करेंगे, और आप लगभग 3 माह से अर्जी लगा रहे हैं। सही है महाराज, एकदम घर पर सही है, राइट बात। ये पर्चा पूरा ठीक? कोई संदेह नहीं सर, कोई संदेह नहीं। आशीर्वाद, उठ जाओ, दूसरे का नंबर आना है। जय बोल बागेश्वर धाम की जय। बोल बालाजी महाराज की जय।